नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, दमोह जिले से आज बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, कल जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रचार के दौरान जमकर विरोध हुआ था, वही आज ज्योतिरादित्य सिंधिया दमोह के लक्ष्मण कुटिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला। सिंधिया दमोह के एक गांव लक्ष्मण कुटी में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर तंज कसा है। जी हां, दमोह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में प्रचार करने ज्योतिराज सिंधिया दमोह पहुंचे। उन्होंने दमोह के लक्ष्मण कुटी गाँव में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का नारा है प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी जो मध्य प्रदेश में नंबर वन थी, उसका नारा था जान जाए चाहे वचन चला जाए। सुनिए जरा उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को। इधर थे और हम उधर थे, लेकिन सदैव मन में मेरी प्रशंसा थी इनके प्रति। क्यों मालूम है? इसलिए नहीं क्योंकि ये बड़े नेता हैं, लेकिन इसलिए कि सत्य बोलते हैं, बेबक तरीके से बोलते हैं और अपनी बात पर अटक रहते हैं। भारत में नेताओं की कमी नहीं है, भारत में सच बोलने वालों की कमी है। भारत में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन भारत में जनसेवकों की कमी है मेरे भाइयों बहनों। और आज वही मुद्दा दमोह में है। 2018 में यही जोड़ी नंबर वन आई थी आपके सामने। कहा था कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख कर्जा माफ। मुझसे भी कहलवा दिया। क्या करूं, इनमें और हमारा खून एक ही है, सच्चाई की खून। मुझसे भी कहलवा दिया। और इनके पार्टी के बड़े नेता आते थे मध्य प्रदेश में चुनाव के समय में और कहते थे, भैया एक साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, 10 दिन। याद है? याद है कि नहीं? हाँ, 10 दिन के अंदर। और 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को हम बदल के रखेंगे। जो मुख्यमंत्री जनता के साथ वादा ना निभा पाए, मैं मानता हूं कि उस मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं होता। वो सिंधिया परिवार का खून है। मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने जब डीपी मिश्रा की सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में और जनता के साथ वादा खिलाफी किया था, उस डीपी मिश्रा की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम मेरी दादी ने किया था। फसल का भुगतान, नौजवानों को काम, गरीबों का उत्थान और बुजुर्गों को सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव है, विचारधारा है और संकल्प है मेरे भाइयों। जिन योजनाओं को कमलनाथ जी ने
ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया था। शिवराज सिंह जी ने सरकार बनते ही चाहे हमारे क्षेत्र की जनता के लिए संबल योजना हो, 25,000 कामगारों को 270 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया, किसानों के लिए जो 0% पर ऋण देने का काम जो कमलनाथ जी के कार्यकाल पे 14% ला गया था, शिवराज सिंह जी ने दोबारा 0% पर ब्याज देने का, कर्ज देने का कार्य शुरुआत किया। हमारे नौजवानों को शिक्षा का नई सोच विचारधारा, जिनकी आय 8 लाख से कम हो सरकार उनका पैसा देती है शिक्षा प्राप्ति के लिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना, 47 लाख लोगों को पेंशन की योजना, और जब हम किसानों की बात करें, एक एक दाना खरीदा जाएगा कहा था, गेहूं के लिए 1,39,000 मेट्रिक टन का इतिहास भारत में मध्य प्रदेश ने रचा है, इतना गेहूं खरीदा गया है सरकार के द्वारा, और यही धान का फसल 37 लाख मेट्रिक टन, और किसानों के लिए फसल बीमा योजना जो कमलनाथ जी ने, वो अमिताभ बच्चन जी की शो है ना, कौन बनेगा करोड़पति, कमलनाथ जी ने तो आपकी फसल बीमा योजना की राशि जो कौन बनेगा करोड़पति शो में है ना लॉक किया जाए। भाजपा की सरकार बनते ही उस लॉक को तोड़ के किसानों के खातों में 7,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना की राशि हमने पहुंचाई। तो आज हमारी सोच विकास और प्रगति की, सबसे ज्यादा संकट पूरे क्षेत्र में पानी की किल्लत हमारे बुंदेलखंड में, और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रहलाद पटेल जी को, जो अटल जी का सपना था केन बेतवा परियोजना दोनों नदियों को जोड़ने का, उसे आज संभव करवाया है, और इस योजना के तहत 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, दमोह में अकेले 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये देन नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की है मेरे भाई और बहन। पंजाब बनेगा हमारा क्षेत्र, 518 करोड़ रुपए की सीता नगर परियोजना सिंचाई की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य की सेवाओं में जो आपको दमोह की जनता को जबलपुर और सागर जाना पड़ता था, आज मेडिकल कॉलेज दमोह में स्वीकृत हुआ है, ताकि लोगों की जान क्षेत्र में ही हम लोग बचा पाए। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सिंचाई की परियोजना हो, जो आपने मांगा भाजपा सरकार देने के लिए कटिबद्ध है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकास और प्रगति में कोई कमी प्रहलाद पटेल जी, हम और राहुल नहीं होने देंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आज राहुल के ऊपर उंगली उठती है, मैं दाव देता हूं उस नौजवान को, इसने न्याय और कुर्सी के बीच में न्याय और सत्य का रास्ता को चुना है। पूछो आपसे इससे, हर बार जब कमलनाथ जी के पास जाते थे दमों के लिए योजनाओं को मांगने के लिए, मेडिकल कॉलेज की मांग इन्होंने कितने बार की कमलनाथ जी के सामने, एक ही उत्तर मिलता था, पैसा नहीं, पैसा नहीं। कहां से रहता पैसा जब सारा पैसा कांग्रेसियों के जेब के अंदर चला गया। मैं दाव देता हूं ये राहुल को, मीडिया के साथ इंटरव्यू में इसने कहा कि मेरी जीवन की एक ही अभिलाषा है कि अगर इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में स्थापित कर पाऊं, मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। मैं दाव देता हूं इसको कि इसके रहते हुए मेडिकल कॉलेज दमोह में आज स्थापित